everyone back to our channel AirCrews Aviation Pvt Ltd. Myself Vandika Lamba, co-founder of AirCrews Pvt Ltd. Again with a video of a very useful video for all those students who are seeking their career in aviation. Okay, so today आज का हमारा टॉपिक है जब भी हम कैबिन क्रूज या ग्राउंड स्टाफ जब हम इंटरव्यूज के लिए जाते हैं जो ऑल्दो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड, लेकिन जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे ये पूछा जाता है कि टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, या ऐसा भी कोई ट्रिकी क्वेश्चन होता है कि टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ इन 3 वर्ड्स. ऑल्दो मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं जैसे कि टेल अस योरसेल्फ इन 5 वर्ड्स और 10 वर्ड्स, बट उसमें ज्यादातर जो क्वेरीज थी वो थी डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 3 वर्ड्स. Although you will get thousands of words in Google Dictionary, okay, but here आज हम लेके आए हैं कुछ ऐसे 10 important words जिसको आप यूज कर सकती हैं in those words. But please remember, ये जो 10 words जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, these are 10 words. It is there. It is very powerful words. But do try your matching your personality with these words. You know, मतलब सिर्फ बोल देने से नहीं होता है. You know, just say hardworking or something like that. You need to quote this with an example, maybe your previous experience, या अगर आप fresher हैं तो in a normal or in a daily to daily life, just quote it with an example and it should match with your personality. So I have some of the important 10 powerful words where you can describe yourself in 3 words. And out of these words, obviously, as per your personality, you can pick these 3 powerful words, whatever you want. The first important word is you can say I am honest. Okay, honest is a very powerful word. इसको आप कोई भी example देके, for example, जैसे कि मैं स्कूल टाइम पे मेरे मार्क्स अच्छे नहीं थे या जो भी है, वट एवर, जस्ट एग्जाम्पल्स आई एम गिविंग यू. मेरे मार्क्स अच्छे नहीं थे बट आई हैव बीन ऑनेस्ट इनफ टू फेस माय पेरेंट्स, टू फेस द प्रिंसिपल एंड आई इम्प्रूव्ड आफ्टर दैट. सो दिस इज, और भी बहुत सारे ऑनेस्टी के एग्जाम्पल्स है. सो फर्स्ट द मोस्ट पावरफुल वर्ड यू कैन यूज दैट आई एम ऑनेस्ट. सेकेंड यू कैन से assertive. Assertive, first of all, जिनको नहीं पता है assertive का meaning, you can Google it, but थोड़ा मैं आपको assertive के बारे में बता देती हूँ. Assertive मतलब होता है अपनी बात को किसी के सामने ना कि ज्यादा प्यार से और ना कि ज्यादा गुस्से में रखना. मीन्स प्यार से होता है, प्यार से जब हम किसी के आगे बात रखते हैं उसको कहते हैं इन अ नॉर्मल वे, ओके, इन अ लविंग वे. गुस्से में हम कहते हैं जब हम किसी पर गुस्सा करते हैं और तब हम अपनी बात रखते हैं. लेकिन assertive का मतलब होता है गुस्से से एक लाइन नीचे. सो यू कैन से देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन एन assertiveness एंड एन एंगर, सो दैट आप अपनी बात प्यार से भी रखें और गुस्सा भी ना लगे, उसे assertive कहते हैं. क्यों ये वर्ड बहुत पावरफुल है मोस्टली इन कैबिन क्रू इंटरव्यूज में? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम कैबिन क्रूज को ऐसे सिचुएशंस को फेस करना पड़ता है जहाँ पे वो उस टाइम पे प्यार भी नहीं दिखा सकते और गुस्सा भी नहीं दिखा सकते. सो अ क्रू शुड बी असर्टिव इनफ. फॉर एग्जाम्पल, इसमें आप देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पैसेंजर सेफ्टी रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है तो यू कैन इन अ वेरी असर्टिव वे, सो प्लीज फॉलो दिस सेफ्टी रूल्स, दिस इज फॉर अस, दिस इज फॉर यू. ओके, सो दिस इज नोन एज असर्टिव. देन यू कैन से कमिटेड. It's again a very powerful word. Committed, you can say that yes, I'm a very committed. I am very committed in nature. Committed word airlines के लिए इसलिए बहुत important होता है because एक एयरलाइन आपके ऊपर बहुत पैसा खर्च करती है, आपकी ट्रेनिंग्स के ऊपर, आपकी यूनिफॉर्म्स, आपकी जो भी क्रू रिलेटेड जो ट्रेनिंग्स होती हैं. सो व्हेन यू से यू आर कमिटेड, बिकॉज आपका जो भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, बट व्हेन यू से कमिटेड, सो एन एयरलाइन गेट टू नो कि दैट यस, दिस गर्ल इज कमिटेड. ये हमारी कंपनी के साथ 1 साल, 2 साल, 3 साल, जितने तक अभी एग्रीमेंट होता है, विदाउट हैविंग एन बीच में अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती भी है तो इसको भी आप एग्जाम्पल के थ्रू कोट कर सकते हैं दैट इन माय लास्ट कंपनी आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद देम वेयर इन आई हैव द अदर अपॉर्चुनिटी एज वेल बट आई वाज कमिटेड एंड लॉयल इनफ टू वर्क विद द सेम कंपनी. So always, all these words always quote with your examples. I am just giving you a hint of it, but these are the very powerful words which you can use. Next word you can say is motivated. That इस इंडस्ट्री में आने के लिए मैं बहुत मोटिवेटेड थी. मैं जब अपनी कजन्स को देखती थी, द वे दे लुक, द वे दे परफॉर्म, द वे दे ड्रेस, द वे उनका बॉडी लैंग्वेज, सो इससे मुझे इस इंडस्ट्री में आने के लिए बहुत मोटिवेशन मिली. Then you can say broad-minded. This is a very broad-minded, or you can say I am a very broad-minded, or I am a very open-minded. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रॉड माइंडेड का मतलब ये नहीं है कि आप सिगरेट पी रहे हैं या फिर आपके हाथ में यू नो अ वाइन ऑफ ग्लास है या आपने मतलब आप क्लब्स जा रहे हैं. दैट इज योर लाइफस्टाइल. ब्रॉड माइंडेड का मतलब ये नहीं होता. ब्रॉड माइंडेड का मतलब होता है, एंड स्पेशली इन द क्रू इंडस्ट्री, क्रू इंटरव्यूज के लिए या क्रू की लाइफस्टाइल में ब्रॉड माइंडेड होना बहुत जरूरी होता है बिकॉज आप You need to accept other people's culture. आप दूसरों के जो जितने भी आपके पैसेंजर्स होते हैं आप उनके कल्चर को अपनाते हैं. ओके उनका वे ऑफ स्टाइल जिस तरह से वो मिलते हैं. ओके फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अ नॉर्मल शेक हैंड, तो जो लोग थोड़े आउटवर्ड या फिर वो है जो इन चीजों को गलत मानते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. सो इफ यू से दैट यस, एज एन एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि इवन बिलोंगिंग टू अ वेरी स्मॉल सिटी येट आई एम अ वेरी ओपन माइंडेड गर्ल वेयर इन आई टेक थिंग्स एज अ चैलेंज एंड टेक इट इन अ पॉजिटिव नोट. ओके नेक्स्ट वर्ड आप बोल सकते हैं कस्टमर ओरिएंटेड. लेकिन ये कस्टमर ओरिएंटेड ये वर्ड आप तभी यूज करिएगा जब आपकी कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा हो. ऑब्वियसली अगर आप स्कूल से पास आउट होकर आए हैं या कॉलेज से पास आउट होकर क्रू का इंटरव्यू देने जाते हैं तो येस दिस वर्ड डू नॉट यूज इट बिकॉज बट हाँ जिनका कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है वो इस वर्ड को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं दैट येस आई एम अ वेरी कस्टमर ओरिएंटेड गर्ल और अ बॉय. आई नो the centricity of customer knowledge. I know the centricity of customer skills. Customer को क्या चाहिए कब चाहिए, you know they should feel like a home. So customer oriented is another word you can say. You can say hardworking. Hardworking भी आप बोल सकते हैं कि yes I am a very hardworking girl or a boy. स्कूल टाइम पे कॉलेज टाइम पे आई यूज टू वर्क हार्ड या फिर मैंने इस मुकाम पे आने के लिए भी बहुत हार्ड वर्क किया है. मैंने बहुत अपनी ग्रूमिंग को चेंज किया है. मैंने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत चेंज किया है और इस तरह से बहुत हार्ड वर्क करने के बाद मैं एटलीस्ट एंड आई एम ऑनर्ड इनफ दैट आई एम गिविंग एन इंटरव्यू इन फ्रंट ऑफ यू. सो जस्ट लाइक एग्जाम्पल्स यू कैन यूज. ओके द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड येस यू कैन यूज इज पॉजिटिव. ओके Yes, I'm a very positive girl, but guys, do remember your body language should match what you are saying. Okay. For example, I am a very positive girl. Okay, the interviewer will say what she is saying. मतलब उसकी body language तो ऐसी लग नहीं रही है. But if you say I am a very positive girl, you know, look at my expression. So the way how you are speaking, you know, you should able to convince जो आपको interview ले रहे हैं, you should able to convince. How you are जो भी आप ये जो important words बोल रहे हैं और आपके पूरे interview में जो भी आपने important 3 words बोले हैं they will judge you on those things. क्योंकि for example आपने बोला I'm a very positive girl, I'm a very positive girl और आप पूरा interview बहुत ही slow, आपके shoulders down, you know आप ऐसे थके इस way में दे रहे हैं तो you should not. So again your words should match your personality. Okay. So just to sum up, जो हमारे important points मैंने discuss किए हैं that could be okay, that could be honest, mature, assertive, committed, motivated, broad-minded, very important, customer-oriented, positive, hardworking, and Yes, your passion also. In positiveness, you can add your passion also, that yes, it is my a passion, or you can say a dream, you know, that you wanted to join this aviation industry. So we do hope that these 10 words, you can pick up those 3 words or 5 words, anything before appearing for a cabin crew interview or let's say any ground staff interview. And I hope these words would help you out for giving the question of this answer, and always work on your personality and your communication skills. Thank you. Thank you so much.